मेरे सभी दोस्तों का फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इरिगेशन प्रपोज पे, मेरी कई सारी वीडियो हैं। तो आज नंबर आया है ओपन एक्वाडक्ट का, तो आज हाँ ओपन एक्वाडक्ट के बारे से हम बात करेंगे, देखेंगे सिचुएशन कहां पर इसे फॉलो किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है और इस चीज़ क्या क्या टर्म्स होती है, क्या क्या जानकारियाँ होती है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो एक नज़र अपन ध्यान देते हैं कि ओवरऑल व्यू पे, जहां पर ये स्ट्रक्चर है उसका ओवरऑल व्यू क्या है, ताकि मैं जो भी सारी बातें बताऊं आपको ध्यान से, उन सभी बातों का एक बार कहां किस को अपन ध्यान में दे रहे हैं, किन बातों को का अपन बता रहे हैं, ये सब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए एक बार ओवरऑल व्यू देख सकते हैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर अपने पास पड़ी है एक लोकल नाला है, केनाल का ट्रैप है, सर्विस रोड है एंड इधर से केनाल का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो कहानी की शुरुआत, इस स्ट्रक्चर की शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ पर कंडीशन ऐसा है कि पानी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, तो यहाँ पर पूरा पहले की कंडीशन है। यहाँ से पूरी बॉटम से आपको मैं बताऊँगा। दरअसल एक्वाडक्ट के बारे से मैं बताता हूँ, यहाँ पर मान के चलिए कि आपके पास केनाल का बेड लेवल है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होंगे, क्या कर रही है केनाल जो है अपने रिवर को क्रॉस कर रही है, लोकल नाला को क्रॉस कर रही है, ठीक है। एक बार और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो केनाल है, यहाँ पर जो केनाल है वो लोकल नाला को क्रॉस कर रही है। और दोनों के लेवल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये और थोड़ा क्लियर कराने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से ये मेरी केनाल की बेड बोल सकते हैं। केनाल की बेड मीन्स यहाँ ट्रप, ये जो आप देख पा रहे हैं व्यू, ये जो ट्रप शो हो रही है, इसे आप ट्रप कहा जाता है, ट्रप भी कह सकते हैं, बैरल भी कह सकते हैं, ये दोनों ही यूज में अपन कहते हैं। तो ट्रप का शेप यू टाइप की दिख रही, यू टाइप का जो बेड है वही आपकी केनाल की बेड होगी। दूसरी चीज़ अपन बात करेंगे नाला बेड पे, तो वो आप देख रहे हैं वो नाले का HFL है, हाई फ्लड लेवल है, जहाँ तक पानी आपका भरा हुआ है उसके नीचे ठीक उसका जो है वो बेड लेवल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि केनाल का बेड लेवल ऊपर है, किसके लेवल से, नाले के बेड लेवल से। और नाले का बेड लेवल के साथ साथ अपन पानी का भी लेवल देखते हैं। पानी लेवल यहाँ से आपको पूरी रूप से क्लियर हो रही है कि नाले का पानी आपके ट्रप से नीचे है, तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, केनाल के पानी को यहाँ ट्रप के माध्यम से नाले के पास से क्रॉस करा रहे हैं। तो यही एक्वाडक्ट की सिचुएशन होगी। चलिए बात करते हैं, ये तो एक्वाडक्ट की सिचुएशन थी कि क्यों प्रोवाइड किया गया है यहाँ एक्वाडक्ट। दूसरी चीज अपन ने बात किया था ओपन एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट में चार एक्वाडक्ट होते हैं और भी उसके अलावा भी होते हैं, अलग अलग कंडीशन पर वो जो है प्रोवाइड की जाती है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको एक बार, जैसे क्या होती है, एक होती है साइफन एक्वाडक्ट होती है जिसे सैफनिंग करके अपन बनाते हैं, दूसरी होती है क्लोज एक्वाडक्ट। क्लोज एक्वाडक्ट मतलब वो ये पूरी की पूरी, ये यहाँ पर से आपको पानी चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्लोज एक्वाडक्ट में आपको बिल्कुल ही ये जो ट्रप है वो पूरा पैक्ड रहता है, क्लोज रहती है, जिसकी वजह से आपको ये पूरा सराउंडिंग और इसके ऊपर जो है रोड प्रोवाइड की जाती है। रोड यानी भाई आपको इस छोर से अगर केनाल मेरी केनाल में अगर बड़ी चौड़ी रोड है और यहाँ पास कोई भी लोकल रोड नहीं है चलने के लिए, कोई भी लोकल रोड नहीं है, सर्विस रोड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो सर्विस बैंक से आया हुआ जो भी व्हीकल वगैरह है वो किसके माध्यम से, इसी ट्रप के ऊपर से इस छोर से रिवर के, इस छोर से रिवर के या नाला के उस छोर तक जा सके। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप क्लोज डक का यूज करते हैं, तो वो हो गए क्लोज। कभी कभी फुटपाथ चलनी होती, पैदल चलनी होती, तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रप का एक साइड ओपन करते हैं, एक साइड जो है फुटपाथ के लिए अलग से स्लैब बना के उसमें भी अलग से थोड़ी सी ट्रप जैसा, जैसा फुटपाथ होता है चलने के लिए, तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बना के इसी ट्रप के किनारे से साइड्स, एक साइड से लेते हुए जब बनाते हैं एक्वाडक्ट, तो उसे कहते हैं एक्वाडक्ट कम फुटपाथ ब्रिज। तो इस टाइप के एक्वाडक्ट कई सारे हो सकते हैं। कई बार नाले को साइफनिंग करनी पड़ती है, यानी कभी कभी क्या होती है, नाला का जो वाटर है, नाले का जो पानी है वो आपके यहाँ पर ट्रप से टकराएगा। अगर नाले का बेड लेवल अगर थोड़ा भी ऊपर रहेगा और पानी अगर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगी, पानी का जो FHL लेवल है, हाई फ्लड लेवल है नाले का, वो किससे,
टकराएगा वो यहाँ पर जो है आपके बैरल का जो दिख रहा है बैरल का वर्टिकल वॉल उससे टकराएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नाले को थोड़ा साइफन करके फिर आगे जाके उसको कंटिन्यू करना पड़ता है उस नाले के ग्रेडियंट को। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्वाडक्ट तो पास करा ही रहे हैं, दूसरी चीज़ नाले को भी साइफनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे एक्वाडक्ट को कहा जाता है साइफनिंग एक्वाडक्ट। इसमें दोनों ही हुई है, आपने एक्वाडक्ट भी बनाया है और नाले को भी साइफनिंग की है, इसलिए वो स्ट्रक्चर हो जाएगी एक्वाडक्ट साइफनिंग। तो क्लियर है दोस्तों, चलिए फिर मैं आज बात करता हूँ ओपन एक्वाडक्ट के बारे से। ये थे बाकी जो मैंने बताया वो आपके किस टाइप से होते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे कि ये मोटा मोटी तौर पे आपने देखा है कि ये मेरी ओपन जो यू टाइप से शेप दिख रही है वो उसे ट्रप भी कह सकते हैं, ओपन बैरल भी कह सकते हैं, और बीच बीच में दो लगी हुई है। ये क्या की हुई है, दोनों बैरल को, दोनों ट्रप के जो वर्टिकल वाल है, दोनों साइड के जो साइड वाल है उसको आपस में बांध के, क्योंकि पानी चलेगा वाटर प्रेशर अलग पड़ने की वजह से वो क्या होगी, वाल जो है एक्सटेंड होगी, दोनों साइड किनारे साइड एक्सटेंड होगी। तो उसको पकड़ के रखने के लिए ये जो है बीच बीच कट हो सकती है, 20x20 की भी हो सकती है, 30x30 की भी हो सकती है, रिब्ज कहा जाता है। ये रिब्ज जो है हर डिस्टेंस पे 3-3 मीटर भी हो सकती है, 1.5-1.5 मीटर भी हो सकती है, 5-5 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है वाटर लोड पे। तो उस बेस पे जो है इसे प्रोवाइड किया जाता है, इसकी डिस्टेंस को, किसकी, रिब्ज की। तो ये ट्रप का जो था, और ट्रप की डिजाइन अलग होगी भाई, जितना आपको पानी चलना है ट्रप में, जितने का क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रप का निकलेगा, जितने का क्रॉस सेक्शन केनाल का निकलेगा, उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, केनाल के पानी का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो आपके ट्रप के एरिया के अंदर में फ्री बोर्ड को रखते हुए पास हो जाए, इतना अपन बैरल की जो है डिजाइन करते हैं। डिजाइन कैलकुलेशन से ट्रप की साइज को निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कहानी की शुरुआत में। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती थी कि ये देख रही है केनाल मेरी दिखाई दे रही है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था नाले का लेवल नीचे है और केनाल का बेड लेवल मेरी ऊपर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान देते हैं कि ये जो केनाल से अब क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर दो साइजों में कन्वर्ट हो रही है, एक है केनाल का क्रॉस सेक्शन व्यू, दूसरा है ट्रप का यू साइज व्यू। तो क्या करते हैं, केनाल का अब शेप जो है चेंज हो रहा है, केनाल का शेप अब क्रॉस सेक्शन वी टाइप से होते हुए अब वो यू टाइप हो रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन वाल बनाएंगे। ट्रांजेक्शन वाल मीन्स केनाल के पानी को ट्रांजेस करके वो किस शेप में लेगा, बैरल के शेप में लेगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये केनाल का अपस्ट्रीम है एंड अपस्ट्रीम होने के साथ साथ यहाँ पर सर्विस रोड भी आने जाने के लिए रोड क्लियर रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी ट्रांजेक्शन वाल जिसके बारे में मैंने बात किया था, ये ट्रांजेक्शन वाल है, ये क्या कर रही है, पानी को धीरे से कन्वर्ट करके पानी का जो फॉर्म है क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में था अभी ये वी टाइप में, अभी वो यू टाइप में कन्वर्ट कर रही है। तो ये कन्वर्ट कर रही है, ट्रांजेक्स कर रही है, इसलिए इसका ट्रांजेक्शन वाल है। चलिए मैं बेड पे जाके समझाता हूँ अब जहाँ तक, क्योंकि दूसरी चीज़ बेड पे तो जाके समझाऊंगा, यहाँ पर ये समझाना ज़रूरी होगा कि यहाँ से आपके पास सर्विस रोड है। अब सर्विस रोड में, सर्विस रोड के उस पार जिधर अपने नाला है उधर अपन ने ओपन रखा है, और यहाँ, लेकिन यहाँ अगर ओपन रखेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि रोड है। तो इसलिए यहाँ पर जो रोड की जो चौड़ाई होगी, रोड की जो विड्थ होगी, ओवरऑल विड्थ जहाँ से जहाँ मेरी चल रही है वहाँ से वहाँ तक अपने को क्लोज करना पड़ेगा। चलिए मैं नीचे से समझाता हूँ, नीचे से दिखाता हूँ। तो उतने एरिया को जहाँ आपके सर्विस रोड है वहाँ तक बैरल को आपको क्लोज करना होगा, उतनी चौड़ाई तक जितनी आपकी रोड की चौड़ाई है ना, ये पैरापिट का भी काम करेगी, रोड को प्रोटेक्ट करेगी, दोनों साइड की जो वाल दिखाई दे रही है दोनों साइड की, तो उतनी चौड़ाई तक आपको बैरल को क्लोज रखना है। चलिए बॉटम से देखते हैं बॉटम से क्या दिखता है। जी हाँ दोस्तों, पहुँच गए हम बॉटम पे। बॉटम से ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि ये देख रहे हैं, जैसा ऊपर में बताया था यहाँ रोड चलने की डायरेक्शन है, ये बेड लेवल है, यहाँ से पूरा देख रहे हैं। अगर मैं देखेंगे ये देखिए, ये केनाल का बेड लेवल, केनाल का क्रॉस सेक्शन, केनाल के बेड लेवल में थोड़ा सा ग्रेडियंट, जितना अपने केनाल की ग्रेडियंट रहेगी वही ग्रेडियंट आप इस बैरल पे देंगे, यानी ये जो लेवल है यहाँ का जो लेवल होगा वो डाउन स्ट्रीम का जो लेवल होगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के लेवल जितने ग्रेडियंट पे केनाल आ रही है उसी ग्रेडियंट पे लेवल का डिफरेंस यहाँ पर रखा जाएगा।
यहाँ से पूरी रूप से आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ देखिए, यहाँ से ये जो है आपकी जो बैरल है, ट्रफ है, वो क्लोज हुई है, क्योंकि इसके ऊपर में रोड है, रोड दिया हुआ है। ये ट्रांजेक्शन वाल है, देख रहे हैं दोनों साइड की ट्रांजेक्शन वाल। यहाँ से केनाल जो है वी शेप के फॉर्म से कन्वर्ट होते हुए यू शेप के फॉर्म में, बैरल के फॉर्म में गई हुई है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से पूरी रूप से कहानी, अब जैसा आप अप स्ट्रीम में देख रहे हैं वैसा ही डाउन स्ट्रीम में भी आपको सेम व्यू देखने को मिलेगा। ये थी मेरी एक्वाडक की कहानी। कहने एक्वाडक में दूसरी चीज़, अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरी केनाल की बेड लेवल है, यहाँ पर मेरी केनाल की बेड लेवल ऊपर है और नाला ठीक इसके नीचे से बहते हुए जा रहा है। तो एक्वाडक की कंडीशन आपको क्लियर हुई, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सभी को तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इतने सारे बहुत इम्पोर्टेंस मुझे कमेंट करते हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मेरी अगर ये वीडियो लाइक करें, पसंद आए तो थैंक्स आप सभी का।